बिहार में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी और गंडक नदी का पानी उफान पर है, जहां नजर डालो वहां पानी ही पानी है। बिहार में 38 जिले हैं और करीब आधे जिलों की 12 लाख की आबादी इस वक्त संकट से जूझ रही है। नेपाल में भारी बारिश और उसके बाद वहां से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। यहां पानी ने इस कदर विनाश किया है कि इस प्रलय में लोगों का सब कुछ डूब गया, सब कुछ बह गया। ना खाने का ठिकाना है, ना रहने को जगह। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पर मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बिहार के लोगों के लिए यह हालात किसी कयामत से कम नहीं है। बता दें कि बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, गोपालगंज, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, सारण और कटिहार जिले में देखा गया। देखिए डूबते बिहार के हालात। तो वहीं इसको लेकर आरजेडी नेता मीसा भारती ने नीतीश सरकार पर क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए नीतीश जी, बहुत लेट से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने बहुत लेट से निकले हैं। उनको और पहले जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में मनेर विधानसभा और दानापुर विधानसभा में बाढ़ आया था और प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी आपदा विभाग के, उतनी मिली नहीं उन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो कोसी का बराज खोला गया उससे जो उसके आसपास जितना कोसी के बेल्ट वाले उनमें पानी काफी भर आया, क्योंकि मैं पूर्णिया गई थी तो रास्ते में दरभंगा होते हुए सब जगह गई तो मैंने देखा कि काफी लोग उससे परेशान हैं और सब लोग ऊंचे मतलब बांध पे या सड़कों पे अपने जानवर और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के थे। तो सरकार को और पहले नींद से जागना चाहिए था और बाढ़ के लिए, क्योंकि हमेशा पता है कि बिहार में बाढ़ आता है, इस क्षेत्र में खास तौर पे बाढ़ आता है, तो उसकी तैयारी आपदा विभाग को और बिहार सरकार को पहले से करनी चाहिए थी। स्मार्ट मीटर को लेकर आज राजद का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए प्रदर्शन आज राज्यस्तरीय ये धरना प्रदर्शन है, लेकिन प्रदर्शन हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल आवाज पहले से उठाती आई है कि आखिर जो ये स्मार्ट मीटर लगा है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको सरकार इस पर विचार करे। उसमें गरीबों को, खास करके गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।